अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कुमैल जैदी मुरादाबाद अदादारी की जानिब से। जैसे कि हम ने आपको बताया था, जोगीपुरे की सालाना मजलिसें चल रही हैं और इसी प्रोग्राम में अंजुमन यादगार हुसैनी नौगामा सादात के जानिब से एक ख़याम हुसैनी लगता है। इसी सिलसिले में हम मौलाना साहब से गुफ्तगू करेंगे और हम कैमरामैन से ये कहना चाहेंगे, पहले ख़याम हुसैनी दिखा दी जाए जो लोगों को ज़्यारत करा दी जाए। आइए आगे को आइए। हम कैमरामैन से ये कहना चाहेंगे मौलाना साहब के पास चलें और जो ख़याम हुसैनी के बारे में जो थोड़ी गुफ्तगू है वो हम करें। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पब्लिक आई है, ज़ाहिरीन आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। सलाम मौलाना साहब, आपका नाम क्या है? आफ्ताब हैदर। मौलाना साहब, हम ये सवाल करना चाहते हैं, ये ख़याम हुसैनी जो कि पूरा नजफ़ हिंद में कब से लग रही है? नजफ हिंद में कम तकरीबन 40 साल से लग रही है और वैसे तकरीबन 60 साल हो गया हमें लगाते हुए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे वो लगाते थे, अब उनके बाद हम लगा रहे हैं। हाँ, और मौलाना साहब हम ये जानना चाहते हैं जैसे ये ख़याम हुसैनी यहाँ पर क्यों लगाई जाती है? ये जो है नी मख्तल, ये करबला वालों की याद में बनाई जाती है, तो मालूम है हमारी आने वाली नस्लें भी उन्हें मालूम हो कि हाँ करबला क्या चीज़ थी, मख्तल क्या चीज़ था, किस तरह शहादत हुई, क्या क्या कुर्बानियाँ दी, तो ये सब मालूम होनी चाहिए ना हमारे आने वाली नस्लों को, इसलिए हम इसे मनाते हैं यादगार। थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी इस करबला के बारे में, जितने भी हमारे जो फॉलोवर्स हैं कुछ जानते भी नहीं हैं, इस वजह से आप थोड़ा डिटेल में बता देंगे तो बेहतर है। देखो ये जो है, ये मंजरकशी हमने जो बनाई है ये मख्तल की है, जिसमें जो है इसी तरह शहादत कहीं कहीं है तो थोड़ी जगह है, वैसे तो वहाँ दूर दूर है जी। ये ख़याम इसी हिसाब से लगाए हुए हैं जैसे जैसे वहाँ ख़याम वहाँ मौजूद थे जी। ये झूला है जनाब रिजगत का है और ये आलम है जो यानी एक हज़रत अब्बास का जनाब सकीना ने मश्क दी थी, वो ले कर गए थे दरिया पे, वहाँ से पानी के लिए तलाश में नहीं ला सके, शान कलम हो गए। ये मंजरकशी हमने यहाँ पे पेश करते हैं। मैं एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहता हूँ, आज दोपहर में मैंने खुद वीडियो बनाई है मंजरकशी की, मंजरकशी दिखाकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम कि उन्होंने इतनी कुर्बानी दी इस्लाम के लिए, बेशक इस्लाम के लिए, इस्लाम जिंदा जो है आज उन्हीं की बदौलत है, वरना नहीं इस्लाम नहीं रहता अगर इमाम हुसैन ये कुर्बानी नहीं देते। और जैसे ख़याम हुसैनी कौन सी अंजुमन लगाती है और ख़याम हुसैनी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, जो कि हमारे यूट्यूबर्स मतलब व्यूवर्स देख रहे हैं, जो भी देख कर सही से समझ जाएँ। बहुत से लोग कहते हैं बोले नकली नकली ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं जो अहले बैत को मतलब अलग होते हैं। नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अहले बैत से अलग है। और दूसरे अंजुमन यादगार हुसैनी नौगावा सादात ये बनाती है और ख़दीमी अंजुमन है, सबसे पहली अंजुमन है वहाँ की नौगामा सादात की, उसके बाद और तीन अंजुमनें बनी लेकिन ये सबसे पहली अंजुमन है। हाँ, और उसी में जो है आज़ादारी वहाँ से ये शुरू की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी वीडियो के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ख़याम हुसैनी की मंजरकशी देखना चाहते हैं, हमारी नेक्स्ट वीडियो में डली हुई है, वो आप सब उस पर देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।